IBN 7 Horse Lie. They can be brought back to India. The government has no difficulty whatsoever with any agency investigating this matter, because there is not nobody that the government wants to protect in this case, so that those whose names have come up must really be investigated and punished according to law. The government is also keen that the procedure followed must be such that the reciprocating countries continue to cooperate with us. And therefore, since the government had already on the 27th of June given this list to the SIT, the government has no difficulty in placing the entire list, and the same will be placed before the court tomorrow morning. So one question here. जब सरकार बनी थी तो पहला निर्णय सरकार का था कि हमने एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, जो कोर्ट ने तीन साल पहले डायरेक्शन दिया हुआ था। 27 जून को इस वर्ष पूरी सूची जो सरकार के पास नामों की थी हमने एसआईटी को दे दी थी। एसआईटी कोर्ट ने बनाई है तो 27 जून को ही हम लोगों ने एसआईटी को दे दी थी। तो कोर्ट के आदेश के अनुसार कल सुबह वो लिस्ट कोर्ट को दे दी जाएगी। सरकार को इसमें रति भी कोई इतराज नहीं है। जो भी एजेंसी जिस तरीके से न्यायपालिका चाहेगी कि इसकी जांच हो, सरकार उसके लिए तैयार है। सरकार इसके लिए इसलिए तैयार है कि जितने भी नाम आए हैं उन सब की सच्चाई की गहराई तक पहुंचा जा सके, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। सरकार का ये स्पष्ट रवैया। दूसरा, सरकार का ये भी सुझाव हमेशा रहेगा कि ये इस तरीके से हो कि जो रेसिप्रोकेटिंग स्टेट है जिससे सहायता चाहिए हम लोगों को, वो सहायता हम लोगों को मिलती रहे। सो दैट मीन्स दे विल नॉट बी पुट आउट इन पब्लिक, इट्स ओनली फॉर द कोर्ट्स बेनिफिट। देखिए, वो कोर्ट के, एक बार हम लिस्ट कोर्ट को देते हैं, वो कोर्ट का अधिकार है, हम उसमें कुछ कंडीशन नहीं लगाएंगे। सो वी आर गोइंग टू फॉलो द डीटीए गाइडलाइन। देखिए, वो कोर्ट को भी मालूम है, राइट? अगर इस देश का सबसे बड़ा कोर्ट कहता है मुझे लिस्ट दी जाए, तो उस आदेश का निश्चित रूप से पालन होना चाहिए। हम लोग कोर्ट को देंगे। जब हमने एसआईटी को 27 जून को दी हुई है, तो कोर्ट को हम क्यों नहीं देंगे? जितने नाम सरकार के पास हैं, 100% वो सारे नाम अदालत के सामने। व्हाई द क्वेश्चन इन डीटीए इज इंपॉर्टेंट सर, बिकॉज दिस कैन रिमेन विद द कोर्ट बट नॉट गो आउट। तो अरुण जेटली पत्रकारों से मुखातिब होते हुए, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि पूरी की पूरी जो लिस्ट है, जो भी नाम है, सरकार के पास वो एसआईटी को सौंप दिए गए, लेकिन अब कल कोर्ट में सौंप दिए जाएंगे। कोर्ट ने सख्त लहजे में आदेश दिया था केंद्र सरकार को कि जल्दी से जल्दी, और कल तक का अल्टीमेटम भी दिया हुआ है कि तमाम नामों की सूची जो है वो दी जाए। तो नाम देने में कोई एतराज नहीं, अरुण जेटली ने कहा, सीधे तौर पर कहा कि लिस्ट कोर्ट को दी जाएगी, जो भी एजेंसी जांच करे, चाहे वो एसआईटी हो या फिर कोई भी हो, सरकार उसके लिए तैयार है, हम तैयार हैं। सिर्फ एक बात और उन्होंने कही कि वो चाहते हैं कि आगे जिन भी दूसरे मुल्कों के साथ संधि है, वहां से इन्फॉर्मेशन मिलने में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, कहीं कोई परेशानी ना हो, बस इसी बात का ख्याल रखा जाए। इसके अलावा सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, वो पूरी की पूरी लिस्ट कल कोर्ट को सौंप देगी। पहले एसआईटी को सौंपी जा चुकी है वो लिस्ट, और अब कोर्ट को भी वो पूरी की पूरी लिस्ट सौंप दी जाएगी। यानी सीधे तौर पर ये, और कोर्ट ने ये भी बाकायदा बात कही थी कि दूसरे देशों के साथ जो भी संधि है या फिर जो नाम है उनकी स्वायत्तता की बात भी अगर केंद्र सरकार करती है, उसका पूरा का पूरा जिम्मा सुप्रीम कोर्ट के पास है। वो देखेगा कि आगे किसी के साथ संधि में कोई फर्क पड़े या ना पड़े। यही बात का जिक्र अरुण जेटली ने भी यहां पर किया है कि नाम देने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी एजेंसी जांच करे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ दूसरे मुल्कों से जो सहायता है वो लगातार मिलती रहनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा था कि कल तक लिस्ट दी जाए, और अब अरुण जेटली ने कहा है कि लिस्ट सौंप दी जाएगी। जी सुधांशु जी, देखिए सत्य निकला है ना सामने। जी, मैं जो आपसे कह रहा था, हम तो 27 जून को पहले ही दे चुके हैं, हमें छुपाने की क्या जरूरत है? 2011 से यही लोग तीन साल तक उस चीज पे बैठे हुए थे। हमने तो आते ही एसआईटी का गठन करा और एसआईटी को दे दी, और एसआईटी कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर कमेटी थी। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें दे दीजिए, तो हमने उनको दे देंगे। तो चिंता, अच्छा ये जो अभी बात कर रहे थे जय भाई,
कि नेगोशिएशन हो जाएगी, ये हो जाएगा। अरे ये आपका आपकी संस्कृति रही है, ये आपके यहाँ लोगों का रहा है कि कोल में बचा लो, 2G में बचा लो, इस घोटाले में बचा लो, CWG के घोटाले में बचा लो। हमें क्या करना है? और अगर बचाने की मंशा होती तो SIT को कोई आज तक ये लिस्ट देने वाला था क्या? लेकिन क्या है, इल्जाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा मेरा आपसे सिर्फ यह है कि तर्क संगत बात हो, लफाजी में कुछ नहीं रखा जाए भाई। तर्क संगत बात में करेंगे तो बच्चा रहेगा, सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोला। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोगों की आज तक कि पूरा का पूरा पैसा, काला धन भारत के अंदर आना चाहिए, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान वायदा किया था। 100 दिन तो नहीं हुए, 150 दिन हो गए, चलिए अब लेकर के आ जाएं। एक भी पैसा अभी तक के काले धन का भारत के अंदर नहीं ये लेकर के आ पाए, और 5 महीने के अंदर एक एफिडेविट के द्वारा 3 नाम केवल कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर भारत सरकार ने रखा। जिस वक्त 17 अक्टूबर को एफिडेविट के बाद कांग्रेस पार्टी ने और दूसरे और लोगों ने, भाजपा के पूर्व सदस्य राम जेठमलानी ने, यहां तक कि और दूसरे लोगों ने जो भाजपा से संबंधित रखते हैं, उन्होंने भी जब ये बात उठाई तो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि अगले हफ्ते हम कुछ नाम हम लेकर के आएंगे और वो कुछ नाम में कांग्रेस को एम्बैरेसमेंट होगी। यानी साफ था कि ब्लैक मनी से ब्लैकमेल की तरफ भाजपा की सरकार चल पड़ी थी। उस वक्त हम लोगों ने कहा कि यह लिस्ट जो है सिलेक्टिव और विंडिक्टिव नहीं होनी चाहिए, यानी अर्ध सत्य नहीं सामने आना चाहिए, और कोई भी ऐसा नाम नहीं आना चाहिए जो केवल दुर्भावना से प्रेरित है। और आज हमें बहुत खुशी है, हम स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही कड़े शब्दों के अंदर भारत सरकार के दोनों एफिडेविट्स, दोनों एप्लीकेशंस जो भारत सरकार ने कल और 17 अक्टूबर को भारत सरकार ने लगाई थी, उन दोनों एफिडेविट्स को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे के सारे नामों की सूची कल कोर्ट के अंदर दे दी जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करता है, और हम उम्मीद करते हैं कि ना केवल ये नाम, बल्कि जैसे बाबा रामदेव कहते थे कि 50,000 से ज्यादा नाम है, हर एक व्यक्ति के अकाउंट में इतना पैसा आ जाएगा कि 15-15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में आ जाएंगे। हम चाहेंगे कि ये 50,000 नाम भी जल्दी से जल्दी लेकर के आए, और इतना जितना भी काला धन विदेशों के अंदर है वो सारा का सारा वापस आए, ताकि हमारे देश की जनता के हर एक व्यक्ति के पास में, जैसे इन्होंने वायदा किया था 15-15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में आए, हम लोग ये भी साथ साथ में चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के आज के इस निर्णय का, जिसमें सरकार के दोनों एफिडेविट को सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है, हम इसका स्वागत करते हैं। सर, अरुण जेटली ने कहा है कि देखिए, अरुण जेटली जी का बयान मैंने भी सुना है, मैं तो सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं कि अगर वो सारे नाम पहले से ही देना चाहते थे तो 17 अक्टूबर को ये एफिडेविट, ये पटीशन सुप्रीम कोर्ट में क्यों लगाया है, जिसमें उन्होंने 4 जुलाई 2011 और 1 मई 2014 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मॉडिफाई करने के लिए कहा है। पेज नंबर 12 में उन्होंने कहा है कि हमारे भारत की रेटिंग्स गिर जाएंगी अगर हम नाम बाहर लेकर के आएंगे। पेज नंबर 18 में उन्होंने कहा है कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत हम लोग नाम नहीं जाहिर कर सकते। अरुण जेटली जी के खुद की सरकार की, भारत सरकार की ये एफिडेविट है जो मेरे हाथ में है, तो आज वो ये बात कह रहे हैं, तो ये 17 अक्टूबर को फिर उसके बाद में उन्होंने ये क्यों एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाया। Well, I am going by the words which were used by the BJP, their supporters, just before the elections. Baba Ramdev said that there are 50,000 people who have stashed money, black money abroad. Narendra Modi ji in one of his election speeches had said that 15 lakh rupees would be deposited in everyone's account. Rajnath Singh had said that within 100 days we are going to bring back the entire black money. So what we are asking now as a responsible opposition party is fulfill your commitment.
In 5 months' time, you are coming up with a lame excuse and an affidavit and submitting just 3 names out of 50,000 what you had promised the entire country before the elections. So the country, the people want their money as you had promised before the elections. The people, the country wants to know the exact, all the 50,000 names what you had promised before the elections. Don't go by just lame excuses and the same excuses which were made by the government earlier, which you used to criticize. देखिए कोई भी व्यक्ति इसके अंदर दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. कोई भी व्यक्ति किसी भी संगठन से ऊपर नहीं होता है और कोई भी व्यक्ति जिसका नाम कोई भी व्यक्ति जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. वेल आई हैव सेड दैट एनी पर्सन इज नॉट बिगर देन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एनी वन हु इज फाउंड गिल्टी स्ट्रिक्टेस्ट punishment should be taken against him. Thank you. तो आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है. अरुण जेटली ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि लिस्ट कल तक कोर्ट को दे दी जाएगी. अजय माकन ने अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर यह निशाना साधा कि 100 दिन में कालाधन वापस लाने की बात कही गई थी चुनावी रैलियों में लेकिन 150 दिन हो गए हैं. अब सिर्फ 3 ही नामों का खुलासा हुआ है और सीधे सीधे कहा कि आज केंद्र ने जो आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने माफ कीजिएगा जो आदेश दिए हैं केंद्र सरकार को उनका हवाला भी यहां पर देते हुए उन्होंने ये बात कही कि 100 दिन बीत गए 150 दिन हो गए अभी तक नामों का खुलासा नहीं हुआ है. सीधे सीधे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है. सुधांशु मित्तल और जेपी अग्रवाल दोनों हमारे साथ हैं. सुधांशु जी मैं आप ही के पास आऊंगी. 100 से 150 दिन यानी ये आरोप प्रत्यारोप इसी तरीके से चलते आ रहे हैं. बड़ा सवाल अभी तक यही बना हुआ है क्या कालाधन वापस आएगा या नहीं. ऐसा है नवजोत जी मैं जैसा पहले भी आपसे कहा कि नियत और नीति दोनों बहुत स्पष्ट है. ये हिंदुस्तान की जनता का धन जो है ये तो आएगा ही आएगा. मुद्दई 4 लाख गुना चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है. यहाँ पे सरकार जो है कितने भी ये लोग कुछ बोलते रहे लेके आएगी. दूसरी बात खुदा है सरकार अभी, अभी सुनिए 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 तो अरे सुनिए नहीं नहीं अब तो सुप्रीम कोर्ट है जी. अच्छा मैं सिर्फ एक चीज ये कहना चाहता हूँ. अभी जो है आपने अजय माखन जी का बयान देखा बगला भगत एक शब्द इस्तेमाल करा जाता है किसको कहते हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा ने ये कहा था 15 लाख रुपए हरे के खाते में करेंगे और नरेंद्र मोदी जी ने अपनी रैली में कहा. ये अभी आपके सामने आपने सुना ना. आप अपने सारे टेप लगा लीजिए निकाल लीजिएगा. और माय रिएक्शन इज वेरी गुड दैट्स ऑल व्हाट कैन आई टेल यू. प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम दोज फेलोज हु आर आर्ग्यूइंग टू द कंट्ररी. बट यू हैड आल्सो रिटन वन इंपॉर्टेंट लेटर टू द फाइनेंस मिनिस्टर सो डू यू थिंक दिस इज सुप्रीम कोर्ट हैज बीन टेकिंग नोट ऑफ सच. वेल आई डोंट नो व्हाट द सुप्रीम कोर्ट इज टेकिंग नोटिस ऑफ but please take it that entering into the double taxation avoidance treaty is the best method of not getting information and and concealing that information. Do you think it's an embarrassment for the government? Now listen, you are all intelligent people. You and those who are running your television channels are very intelligent people. Why don't they take on the responsibility of saying this out of their own common sense? You want me to say it? Sir, but one last question. There was no name of the Congress when these Congress leaders, because they were saying that there are UPA leaders who are involved. Now, do you think those names but will come out? They should come out. Right. They have got so many names with them. 500, 600 names are there already. The Germans have given, the French have given. Right. I don't know why they are concealing things. That's right. All. All right, sir. All right. Thank you. राम जेठमलानी जिन पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि सभी नामों का खुलासा होना चाहिए. 600 से 700 ऐसे नाम हैं जिनका खुलासा होना बाकी है.